गुड मॉर्निंग टू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास LKG. टूडे आई एम हियर टू टीच यू द सब्जेक्ट इंग्लिश, पेज नंबर 28. सो लेट्स बिगिन नाउ. पेज नंबर 28 में आज क्या है, चलिए आइए हम देखते हैं. मैच द लेटर विद द पिक्चर. यहाँ पर अभी आपने स्मॉल लेटर लिखना सीखा है, ABCDE, ABCD, फोर लेटर्स. यहाँ पर उसी फोर लेटर से आपको वर्ड्स को मैच करना है, फिगर्स को मैच करना है. ए इज़ फॉर एप्पल, यहाँ एप्पल का फिगर दिया हुआ है, तो ए इज़ फॉर एप्पल. डी इज़ फॉर डॉग. सी इज़ फॉर काउ. बी इज़ फॉर बॉय. ए इज़ फॉर एप्पल, डी इज़ फॉर डॉग, सी इज़ फॉर काउ, बी इज़ फॉर बॉय. तो ये आपने पढ़ा, ठीक है. नेक्स्ट पेज हम देखेंगे. नेक्स्ट पेज में भी आपको मैच करना है, ये आप अपने आप से करेंगे, स्वयं से. एक मैंने करके दिखाया, इसमें भी वही फोर लेटर्स दिए गए हैं, ABCD, स्मॉल लेटर ABCD दिए गए हैं, बट यहाँ पर फिगर्स आपको चेंज कर दिया गया है, ठीक है, फिगर्स चेंज हैं. तो ए इज़ फॉर एप्पल तो होता है, ए इज़ फॉर एरोप्लेन भी होता है, एंट भी होता है. तो एरोप्लेन एंट, अब आप इसमें देखिए एरोप्लेन है तो एरोप्लेन से मैच करेंगे. यहाँ बी इज़ फॉर बॉय होता है, बैट होता है, बुक होता है, बॉल होता है. तो नहीं, इसमें हम यहाँ पर बॉय नहीं दिया है, बुक नहीं दिया है, बॉल नहीं दिया है, ये है बैट. तो बी इज़ फॉर बैट, ओके. नेक्स्ट हम देखेंगे सी, लेटर सी. सी इज़ फॉर, यहाँ पर आपने क्या पढ़ा, काउ पढ़ा. यहाँ पर कैट है, सी इज़ फॉर कैट भी होता है, काउ भी होता है, तो यहाँ कैट है तो आप कैट से मैच करेंगे. डी इज़ फॉर, यहाँ पर आपने डॉग पढ़ा है, अब आप यहाँ पर डियर है, डी इज़ फॉर डियर भी होता है, तो यहाँ डियर है तो डी को डियर से मैच करेंगे. चलिए यहाँ देखिए, आपको थोड़ा इजी हो जाए इसलिए हमने वर्ड्स भी दे दिया. एरोप्लेन, ये क्या है, एरोप्लेन है, ये है बैट, ये है कैट, ये है डियर, ठीक है, ये डियर है. तो अब आपको मैच करने में इजी होगा, तो आप मैच करेंगे. डी इज़ फॉर डियर, A is for aeroplane, B is for bat, C is for cat. So that's all for today's class. Thank you very much.